डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपका जो बहुत सारा क्वेरी है, टेंशन है, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड, वो आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम अब फिनिश हो चुका है, और आप जो है मैसेज करके, क्वेरी करके पूछ रहे थे तीन खास चीज कि सर कॉपी चेकिंग पे क्या अपडेट है, मतलब कि कहां तक कॉपी चेक हो चुका है, किस किस सब्जेक्ट का चेक होना स्टार्ट हो गया है, तो पहले आपको ये बताएंगे। दूसरा, आप पूछ रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा वो बता दीजिए, तो वो भी आज आपको बता देंगे। और तीसरा, सबसे खास और बहुत जरूरी चीज आप पूछ रहे थे कि सर हमने क्या किया है कि साइंस में कोई एसएसटी में सर हमने क्या किया है कि रोल नंबर गलत लिख दिया है, सेट नंबर गलत लिख दिया है, ओएमआर सीट पे सर गलती से गलत जगह रंग दिए हैं, बहुत चीज सर गलत फिलअप कर दिए हैं, तो क्या कोई दिक्कत होगा, तो सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं। और जो तीसरा चीज है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या है टेंशन में है कि मेरा कॉपी तो कहीं चेक नहीं होगा, पेंडिंग में तो नहीं चला जाएगा। कोई चिंता नहीं कीजिए, सब आज आपको खोल के बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉपी चेकिंग पे क्या अपडेट है। तो आपका क्लास 10 का जो कॉपी है वो चेक होना स्टार्ट हो गया है। कॉपी बोलने का मतलब है आंसर शीट, उत्तर पुस्तिका, वो चेक होना स्टार्ट हो गया है। अभी आपका इंग्लिश, संस्कृत और साइंस, इसका जो कॉपी है वो चेक होना अब स्टार्ट हो चुका है, और लगभग समझ लीजिए बहुत हद तक कॉपी कंप्लीट चेक हो चुका है। चेकिंग जो कोई भी हार्ड वगैरह नहीं हो रहा है, एकदम सिंपल चेकिंग हो रहा है। माइनर जो आपका छोटा मोटा मिस्टेक है उसको भी माफ कर दिया जा रहा है। कोई टेंशन नहीं लीजिए कि कोई स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आप लिखे हैं वैसा मार्क्स आपको दिया जा रहा है। दो तीन दिन बाद मैथ का जो कॉपी है वो भी चेक होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरा पूछ रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट जो है वो आपका आएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि बोर्ड में क्या होता है कि सारा कॉपी को चेक किया जाता है पहले, फिर सेकेंड राउंड में उसकी चेकिंग होती है कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया है कोई क्वेश्चन में नंबर देना, फिर उसका डाटा कैलकुलेट होता है, फिर उसका फाइनल डाटा कैलकुलेट होता है, फिर बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड होता है, फिर जाके उसको प्रोसेस में किया जाता है, फिर चेक होता है, और तब जाके रिजल्ट आपको दिया जाता है। तो इसमें टाइम लगता है, आप खुद समझ सकते हैं। तो 15 मई से लेकर 20 मई तक के बीच में आपका रिजल्ट एकदम 100% आ जाएगा, ठीक है, 15 मई से लेकर 20 मई के बीच में। उसके बाद तीसरा जो सबसे खास चीज आप पूछ रहे थे कि सर हम क्या किए कि आंसर शीट में गलत कोड भर दिए हैं, गलत सेट नंबर लिख दिए हैं, गलत नाम लिख दिए हैं, ओएमआर शीट में गलत जगह कलर कर दिए हैं, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप में से कुछ स्टूडेंट थे कि सर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत टेंशन में है कि हम गलत लिख दिए हैं, कहीं मेरा कॉपी ना चेक हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका कॉपी एकदम चेक होगा। अब आप कहेंगे कि सर हम तो गलत सेट नंबर लिख दिए, कैसे चेक होगा, तो आपसे एक एग्जाम जब आप दिए होंगे हर सब्जेक्ट में, तो बीच में एक अटेंडेंस शीट जो है टीचर आपसे साइन कराए होंगे। अटेंडेंस शीट का मतलब उपस्थित जो पंजी होता है, हिंदी में बोल दिया, एक पोथी लेके आए होंगे, वहां पे आपसे सारा डिटेल फिलअप करा के साइन कराए होंगे, याद कीजिए, यस सर, तो उसी से आपका मैच करके कॉपी चेक कर दिया जाएगा। अब आप कहेंगे सर हम तो अटेंडेंस शीट में सही भरे हैं, एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, आपका आंसर शीट में जो जो गलती है सेट नंबर वहीं से आपका सही कर दिया जाएगा और वहीं से चेक हो जाएगा। तो कोई आपसे गलती हो गया है सेट भरने में, ओएमआर सीट भरने में, नाम भरने में, पता भरने में, मतलब सब्जेक्ट का नाम, कोई चिंता नहीं कीजिए। बहुत लोग संस्कृत में क्या किए हैं, मीडियम संस्कृत लिख दिए, कोई चिंता नहीं करना है, सब आपका अच्छे ढंग से चेक हो जाएगा। तो यही सब था आपको बताना, जो जरूरी था तो बता दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट रह जाता है, कोई आपका मैसेज हो जिसका रिप्लाई नहीं दे पाए हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने बाबू सोना के पास, अगर कोई बाबू सोना हुलबुल्ली में गलत सेट नंबर भर दी है या भर दिया है, ठीक, दोनों का, तो उनको बता दीजिए कि कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। थैंक यू।